हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर सरकार में बड़े पैमाने पर हुआ छात्रवृत्ति घोटाला, होगी जांच। सीएम दुमका विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पूर्व रविवार को मुख्यमंत्री शाह झामुआ के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा की पूर्व की सरकार को एक बार फिर से घेरा है। खिजुरिया स्थित आवास पर जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में रघुवर सरकार के कार्यकाल में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था। दिल्ली के अखबारों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। मुख्यमंत्री अपने साथ अंग्रेजी अखबार की फोटोकॉपी भी लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि टीवीटी में बड़े पैमाने पर जो है बच्चों की छात्रवृत्ति मारी गई है या जो है अधिनियमितता बड़े पैमाने पर हुई है। यह घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ है जो यहां दुमका से मंत्री थे, उन्हीं के विभाग का यह घोटाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का अधिकार इन लोगों ने किसी तरह से लूटा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भय और भ्रम का माहौल बना रहा है विपक्ष मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार की चुनावी रैली में कहा कि विपक्ष केवल भय और भ्रम का माहौल बना रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो है झूठ फैलाया है कि सही कई देशवासियों की नागरिकता छीन लेगा, जबकि नए कानून में कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने जो है अफवाह फैलाया है कि एनडीए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण समाप्त कर देगा, साथ ही जो है अनुच्छेद 370 को लेकर भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आजाद के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बिहार में एक तरफ जो है डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ जो है डबल युवराज है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यूपी में चुनाव में जो हाल डबल युवराज का हुआ है, वही हाल बिहार में भी जंगल राज के युवराज का होगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में 4 जो है चुनावी रैली को संबोधित किया। बिहार में दूसरे चरण के लिए जो है 3 नवंबर को मतदान होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बिना ओटीपी के भी मिलेगा सिलेंडर। रसोई गैस ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से जो ओटीपी अनिवार्य करने की योजना थी उसे फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब जो है लोगों को बिना ओटीपी के भी सिलेंडर की जो है होम डिलीवरी होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए गैस कंपनी की योजना 1 नवंबर से गैस डिलीवरी के समय जो है ओटीपी अनिवार्य करने की थी। पेट्रोलियम एवं जो है गैस मंत्रालय ने जो है इस व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है, वर्तमान में पुरानी व्यवस्था ही चालू रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 326 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में रविवार को नए 326 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं जो है रविवार को सिमडेगा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। इससे जो है राज्य में कुल मौत की संख्या जो है 885 पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले नए संक्रमितों में जो है सबसे ज़्यादा रांची से 95 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जो है बोकारो से 47, धनबाद से 42, पूर्व सिंहभूम से 22, रामगढ़ से 20, सरायकेला से 19, पश्चिम सिंहभूम से 15, गढ़वा से 10, जामताड़ा से 10, चतरा से 2, देवघर से 8, दुमका से 2, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 6, गुमला से 3, खुट्टी से 7, लातेहार से 1, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1, पलामू से 3 और सिमडेगा से 4 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या जो है अब 102,087 हो गई है, वही एक्टिव केस 5,229 हो गई है। वही जो है रात भर की खबर यह है कि रविवार को जो है 398 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 4 नवंबर के बाद गिरेगा 3 डिग्री पारा, इस बार छठ घाटों में रहेगी कपकपाने वाली ठंड। राजधानी रांची सहित जो है राज्य में ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले जो है 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है, मगर इसके बाद जो है 4 तारीख के बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट की उम्मीद है। इसे जो है कनकनी के साथ धुंध और कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। समझा जा रहा है कि तापमान में गिरावट की वजह से जो है इस बार छठ के दौरान घाटों पर कपकपाने वाली ठंड का एहसास होगा। व्रतियों को स्नान के बाद जो है खुले में कपकपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में जो है रांची शहर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, साथ ही जो है दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी का असर है। वर्तमान में पारा अधिकतम जो है 30.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, यह घटकर जो है अगले 7 दिनों में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे उतरकर जो है 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में महिला ने 5 बच्चों को छत से नीचे फेंका, लोगों ने लपक कर पकड़ा, 3 जख्मी। नगर थाना क्षेत्र की पुरानी साहिबगंज में रविवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई है। एक महिला ने अपने 2 मंजिला मकान की छत से 5 बच्चों को एक एक कर नीचे फेंक दिया। हालांकि नीचे मौजूद लोगों ने लपक कर बच्चों को पकड़ लिया। इस घटना में 2 बच्चे के साथ 1 युवक जख्मी हो गया। महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बच्चों में महिला की 1 बेटी भी शामिल है। दरअसल बिहारी लाल मंडल भवन में आस पड़ोसी के कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे। घर की एक महिला ने बच्चों को बहाने से छत ले गई, फिर जो है सबको छत से नीचे फेंक दिया। इधर मोहल्ले के जो है बंदून मंडल व जो है शर्मिला नामक युवती ने कई बच्चों को लपक कर बचाया है। वही अंश कुमार मंडल 12 वर्षीय व आयुष कुमार 10 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि बच्चों को बचाने के प्रयास में बुधन मंडल भी घायल हो गए हैं।
तीनों को इलाज के लिए जो है सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने अंश कुमार को रेफर कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही SDPO जो है विजय आशीष कुजूर व जो है नगर थाना के जो है SI प्रमोद कुमार ने घटनास्थल पर छानबीन की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धर्म कोड को लेकर रांची में 21 फरवरी को महारैली। आदिवासी धर्म कोड को लेकर रविवार को पुराने विधानसभा सभागार में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें पूरे राज्य में 32 जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान जो है 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सहमति बनी कि 21 फरवरी 2021 को आदिवासी धर्म कोड महारैली रांची के मोराबादी मैदान में होगी। बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर जो हो रही राजनीति को अनुसूचित बताया गया है। कहा गया कि दुनिया में किसी भी देश में किसी भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म या धर्म कोड नहीं है, इसलिए जो है 32 जनजाति प्रतिनिधियों ने सरना धर्म कोड की मांग को खारिज करते हुए आदिवासी धर्म कोड पर अपनी सहमति दी है। निर्णय हुआ कि 8 नवंबर को आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में फर्जी विद्यार्थी उठा रहे हैं अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति। झारखंड में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा का मामले सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो पहले अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों की तलाश करता है, उसे सऊदी अरब से मदद दिलाने के नाम पर उसके आधार कार्ड एवं बैंक खातों की जानकारी लेता है, फिर जो है फर्जी तरीके से स्कूल की मिली भगत से छात्रवृत्ति के लिए जो है आवेदन जमा करता है। बैंक में जो है छात्रवृत्ति की राशि आने पर कुछ राशि उसे देकर बाकी राशि रख लेता है। इसका खुलासा जो है भारत सरकार को मिली शिकायत में हुई है, प्रारंभिक जांच में हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत मैट्रिक से जो है नीचे के विद्यार्थियों को सालाना 10,500 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। जांच में सामने आया है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाले छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की जा रही है। इसमें वैसे विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति ली जा रही है जो कभी स्कूल गए ही नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंगरेप के बाद 7वीं की छात्रा को जंगल में फेंका। गढ़वा के रोदी थाना क्षेत्र के बजमरवा की खुरदना पहाड़ी के पास शुक्रवार शाम धान का बोझा लेने गई 7वीं की छात्रा को 3 युवक मुंह में कपड़ा ठूस कर पहाड़ी पर उठा ले गए। इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को लड़की के घर नहीं लौटने से परिजनों ने उसकी खोजबीन की। शनिवार सुबह जब गांव की एक महिला जो है अपने गाय बैल को खोलने पहाड़ी की ओर गई तो उसने पीड़ित को एक गड्ढे में बेहोश की हालत में देखा। लड़की कह रही थी, उसे पहचाने के बाद जो है महिला ने गांव के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित को बेहोशी की हालत में ही इलाज के लिए जो है यूपी के सोनभद्र ले जाया गया। वहां स्थिति सुधारने के बाद जो है परिजन पीड़ित को घर ले आए। पंचायत के मुखिया और पीड़ित के जो है परिजन सुंडी पंचायत के पासवान टोला में जाकर पूछताछ की। वहां एक आरोपी की जो है कथित जो है स्वीकार रिक्तियों को और पीड़ित की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर पीड़ित के पिता ने थाने में संजय उराव, रंजन उराव और जो है मनीष उराव के खिलाफ जो है नामजद केस दर्ज कराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की तैयारी। केरला सरकार ने खाने पीने की 21 चीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसमें 16 प्रकार की सब्जियां भी शामिल है। केरला सब्जियों का MSP तय करने वाला पहला राज्य है। यहां 1 नवंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। केरला में सब्जियों का MSP तय होने से कई अन्य राज्यों के किसानों ने इसकी मांग तेज कर दी है। झारखंड में सब्जियों का MSP तय करने का वाद विवाद राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा के दौरान किया था। झारखंड सरकार ने इस पर जो है पहल शुरू कर दी है। कृषि विभाग कमेटी बन रहा है जो इसका अध्ययन करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट बड़ी खबर।